शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 6 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चे खुदाई खिदमतकार हो, खुदा के कार्य में खुदा की मदद करने वाले। ऐसे खुदाई खिदमतकार को पहले स्वयं पावन बनना है, फिर औरों को पावन बनाना है। जो बच्चे पावन बनते हैं, ये बहुत बड़ी मदद है। इसके बिना बाप अकेला क्या करेगा? बच्चों की मदद के बिना स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। हर एक बच्चा जब अपने आप को परिवर्तन करता है, तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ी मदद है। इस समय बाबा आकर सम्मुख बैठकर बच्चों को मुरली सुनाते हैं। अब मुरली किसे कहते हैं, बाहर वाले कोई नहीं जानते हैं। जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, उन्हें मुरली कहा जाता है। जब मुरली की बात आती है, तो सबकी बुद्धि में वो बांसुरी आ जाती है, जो श्री कृष्ण जी के हाथ में दिखाई जाती है। वास्तव में ज्ञान मुरली है, जो बेसमझ को समझदार बनाती है। बच्चों को ये मुरली सुननी भी है, औरों को सुनानी भी है। शौक होना चाहिए कि ईश्वरीय महावाक्य हम दूसरों को भी सुनाएं। पापों से मुक्त होने की विधि बताते हुए बाबा ने कहा कि इस जन्म के जो पाप हुए हैं, बाबा को सच सच सुनाओ, ताकि बोझ मुक्त हो जाएं। अनेक जन्मों के पिछले जो पाप हैं, उसके लिए योग अग्नि बहुत काम करती है। योग अग्नि से पापों का बोझा जल जाता है। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, जितना याद करते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि तुम बच्चे मैसेंजर हो, पैगंबर हो, तुम ये बैज हमेशा लगा के रखना है, जिस पर आपका एम ऑब्जेक्ट है। दूसरों को भी संदेश देना है। मम्मा बाबा का भी कईयों को साक्षात्कार होता है। तुम बच्चे भी बाबा की श्रीमत पर चलकर फरिश्ते बन जाते हो। चलते चलते बाबा ने फिर से याद दिलाया कि तुम बच्चों को मैं जो राजयोग सिखाता हूँ, इसी से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो तुम्हें उठते बैठते चलते फिरते इस याद की यात्रा में रहना है। सिलाई आदि का काम करते भी याद में रहो। ये बहुत बड़ी रेस है। इस बुद्धि योग की यात्रा से तुम बच्चे एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाबा को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए? खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता, कौन सा एक फुरना चाहिए? हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं, वो बाबा के मददगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। ये जरूर बच्चे समझते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। जैसे मधुबन में जाते हैं, बाबा की मुरली चलती है, सम्मुख सुनते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं। वहाँ सेंटर पर जब जाते हैं तो ऐसा नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे, हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने, हम मधुबन में जाते हैं
बाबा की मुरली सुनने के लिए मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया। मुरली का अर्थ कोई और नहीं, तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया, बाबा ने समझाया और तुम फील करते हो। बुरबुरम बहुत बेसमझ बन गए थे, ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं, यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बुरबुरम बहुत बेसमझ बन गए थे, तुम सत्यों में कितने समझदार, विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ा ही विश्व का मालिक बन सकता है, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते, शिव बाबा की पूजा करते हैं वो कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार बोलते हैं, बहुत ही सुंदर बात। बाबा की पूजा तो द्वापर से शुरू हो गई, शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहे, फल चढ़ाते रहे, लेकिन वो बात कब करते हैं? जब संगम युग पर शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तब वो बच्चों से बात करते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं। शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं, पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं, उसने मुरली चलाई। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो ये पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी जब तक बाप आए। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं, अब तुम एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा की मुरली कौन सुनाता है? शिव बाबा स्वयं सुनाते हैं, बाप स्वयं पढ़ाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा जाता सत्य, नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्ययुग स्थापन करेंगे। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़े ही बनेगी। कथा सुनते समय ये कोई की बुद्धि में नहीं होता कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुम्हें नर से नारायण बनने के लिए बाबा राजयोग सिखाते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आके समझाता हूँ, युगे युगे कैसे आऊंगा, मैं कल्प कल्प आता हूँ युगे युगे कैसे आऊंगा। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो, ये रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित है, अब ये भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता, विकर्म विनाश हो ना सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते, ये योग अग्नि है। पानी होता आग बुझाने वाला, आग होती है आग, पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए, शास्त्र भी बहुत पढ़े ब्रह्मा बाबा ने, ज्ञान से पहले बहुत से वेद शास्त्र पढ़े। इस जन्म में जैसे पंडित था लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। बाबा ने समझाया जो अपने को बच्चे समझते हैं इस जन्म में जो पाप किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए तो हल्का हो जाएगा। जो भी विकर्म हुए उनको बाबा के सामने स्वीकार करना है, जी बाबा मुझसे भूल हुई और मैं आत्मा अपनी भूल स्वीकार करती हूँ और भविष्य में भूल दोबारा नहीं होगी, ऐसा मेरा शुभ संकल्प है। ऐसे जो बच्चे स्वीकार करते हैं तो बाबा कहते फिर वो बोझ से मुक्त हो जाते हैं, इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ जो सिर पर है उसे उतारना है। बाबा योग की बात समझाते हैं, योग से भी कर्म विनाश होंगे। ये बातें तुम अब सुनते हो, सत्यों में बातें कोई सुना ना सके, ये सारा ड्रामा बना हुआ है। सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती। अब तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते परंतु कोई समझते नहीं, कहते हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते योग कोई और बात नहीं, ये याद की यात्रा है। बाबा को याद करते करते पाप करते जाएंगे, शिव बाबा को याद करते पाप करते जाएंगे, अंत मते सुगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं, कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, बस वो समझने लगा मैं तो भैंस हूं। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूं मैं कैसे निकलूं।
सचमुच जैसे कि भैंस बन गया। ये एक मिसाल बैठ बनाया, बाकी कोई ऐसा है नहीं, ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है। हमेशा रियल बात पे मिसाल दिया जाता है। बाबा ने कहा ये कोई मिसाल यथार्थ नहीं है कि जो ऐसा ही हुआ हो, लेकिन ये सिर्फ एक समझानी है कि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इस समय बाबा जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं, कितने मेले मलाखड़े होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता उनके त्योहार बन जाते। यहाँ तुम कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखड़े में कितने मैले हो जाते हैं, जितना मेले में जाते उतना मैले हो जाते, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद ये सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं, 100-150 वर्ष में क्या क्या बन गया। सतयुग आदि में साइंस आदि काम में आती है, वहां तो महल आदि बनने में देरी नहीं लगती। सतयुग में महल आदि बनने में देरी नहीं लगती, अब तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती। जैसे वहां मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की होती हैं। इस पर माया मच्छर का खेल दिखाते, ये तो उन्होंने नाटक बैंड दिखाए, नाटक बैट बनाए दिखाने के लिए। रोबर्ट स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसे कहा जाता गोल्डन एज, इसे कहा जाता आयरन एज। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, चित्र भी उनके कायम है। कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले फिर हिंदू धर्म कह दिया। विकारी हैं तो देवता कैसे कहें। तुम कहीं भी जाते हो समझाते हो, क्योंकि तुम मैसेंजर हो, पैगंबर हो, खुदा का पैगाम दूसरों को देने वाले मैसेंजर हो, पैगंबर हो। बाप का परिचय हर एक को देना है, कोई झट समझेंगे बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर हैं। कोई कह देंगे कि वो तो सर्वव्यापी है, समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। ये ज्ञान अभी है, वहां ये ज्ञान नहीं रहता, संगम पर वर्षा मिलता है। फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तुम्हें अभी मालूम पड़ा। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं, जो पक्के पक्के निश्चय बुद्धि हैं उन्हें कोई संशय उठाने की बात नहीं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देंगे। इसलिए बाबा कहते ये बैज बहुत अच्छा है, ये बैज बाबा कहते सदा लगा के रखो, घर घर में मैसेज देना है, कोई माने या ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है, फिर जिनको तुमने मैसेज दिया होगा वो याद करेंगे ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म बतन में भी तुम फरिश्ता देखते हो ना, जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, सो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाबा इनमें प्रवेश कर तुम्हें समझाते, डायरेक्ट नॉलेज देते। जो बाबा में नॉलेज है वो तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाता है, फिर जो पार्ट मिला वो सुख का पार्ट बजाते हो, नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहीं भी जाते हो मैसेंजर की निशानी ये बैज जरूर चाहिए। भले कोई हंसी भी करे इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। ये बेहद का बाप है, उनका नाम शिव बाबा है, वो कल्याणकारी है, वो आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात बिल्कुल सहज है, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है। शांति धाम सुख धाम, तुम बच्चे यहाँ आते हो मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए, मुरली सुनकर जाते हो सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आपसमान बनाकर तैयार करना चाहिए तो बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहीं चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती, क्या धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा कहते हर एक को आपसमान बना देना चाहिए, दूसरे साथी बहनों को भी, कि आप कहीं जाएं
तो वो बाबा की मुरली सुना सकें, समझा सकें। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाबा बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का नहीं रहता। सुबह को बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं, अमृत वेले बाबा को सब बच्चे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसमें तुम उंगली देते हो। पवित्र सारी दुनिया को बनाना है तो बाप सब बच्चों पर नजर रखते, सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते। बाप तो बेहद में बैठेंगे, मैं आया हूं सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूं तो पवित्र, ताकि पवित्र हो जाएं। जिनका पूरा योग बल होगा वो समझेंगे बाबा बैठकर याद की यात्रा सिखाते हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। सबका अनुभव है ना, जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा की बहुत मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए, खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है पावन बनने की, गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाबा के साथ। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वो अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। जानते हम विश्व को पवित्र बनाकर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो बाबा की श्रीमत से योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा रहना चाहिए, हम योग बल से अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, यह रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा रूहानी बल से हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। याद से जो बल मिलता है वो रूहानी बल है, उससे विश्व का मालिक बनाते। समझते हो श्री बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर याद की यात्रा का फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे, हाथों से कार्य करते रहे, मन बुद्धि में बाबा याद रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते, इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते बुद्धियोग बाबा की याद में रहे, हाथों से कार्य करते बुद्धियोग बाबा से रहे। बहुत सहज है, समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ। बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल पहले भी ऐसा हुआ था जो अब रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन का राज बाबा समझाते। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वो बचाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती, याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। सत्यु में ऐसा नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। यह है दुख धाम, पुराने शरीर हैं, समझते इनको छोड़ वापिस घर जाएं। बाबा को निरंतर याद करना है, वो निराकार बाप ज्ञान सागर है, वो आकर सबकी सदगति करते हैं। बाबा कहते साधुओं का भी उद्धार करता हूं, तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है, अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो तो बाबा को निरंतर याद करने से पाप कट जाएंगे। बाबा को निरंतर याद करेंगे पाप कट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप तदा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप तदा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है। मैसेंजर की निशानी है, बैज लगा के रखना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है, इसे बाप की नजर बेहद में रहती है। सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए
करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। मुरली सुनकर औरों को सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना है, कल्याणकारी बनना है, मैसेंजर की निशानी है, बैज ये लगा के रखना है, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है, जिसे बाप की नजर बेहद में रहती, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का भी बैलेंस हो, हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म कर रहे हैं साथ साथ बुद्धि योग बाबा से लगा रहे, ऐसे कर्म और योग का बैलेंस हो तो सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे हो जाओ। ऐसे कर्म योगी आत्मा कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। ऐसी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो, हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती रहेगी। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। अर्थात जिन आत्माओं के मन में परमात्म प्यार समाया है, उनकी स्वतः ही नींद खुल जाती है और वो स्वतः ही बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए बाबा के सम्मुख बैठते हैं। अमृत प्राप्त करने की वेला है अमृत वेला। आज हम सब याद रखेंगे कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे कर्म योगी बनाया है। मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित। कर्म करते करते करावन हार की याद रहे। बाबा ने मुझे सेवा दी है। बाबा की उपस्थिति में कार्य सफल हो रहा है। मैं मेरेपन से दूर, मैं सच्चा कर्म योगी हूं। कर्म बंधन से मुक्त हूं। ईश्वरीय कार्य में मुझे मदद करने का अवसर मिला है। मैं खुदाई खिदमतगार हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाए। ये लाइट मुझे हल्का बना रही है, बोझ से मुक्त कर रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती बहुत विशेष है, सभी भाई बहने जरूर सुने। अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।